हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पंकज पंजवानी तो पाइथन का जो आज प्रोग्राम हम देखने वाले हैं उसमें हम यूज़र से एक कैरेक्टर लेंगे एंड उस कैरेक्टर की जो आसकी वैल्यू होती है वो हमें प्रिंट करवाना है ठीक है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले दैट कैरेक्टर एलोंग विथ हिट्स आसकी वैल्यू तो जो भी हम कैरेक्टर एंटर करते हैं ना कैरेक्टर होता है या कोई नंबर भी डालते हैं वन जीरो से लेकर नाइन के बीच में कोई नंबर होता है या जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या सिम्बल्स होते हैं तो हर एक कैरेक्टर के पीछे एक आसकी वैल्यू होती है ठीक है तो ये एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है आस्की इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ठीक है मैंने एक वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन करके रखी है ठीक है ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है जैसे अभी क्या होता है यूनिकोड ज़्यादा यूज़ होता है यूनिकोड में जो कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ठीक है एंड आस की अभी भी यूज़ होता है बट अभी ज़्यादा यूनिकोड यूज़ होता है उसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं ओके okay. तो यहाँ पे देखो हर एक कैरेक्टर के लिए मुझे आस की वैल्यू दी हुई है जैसे ए का आस की वैल्यू सिक्सटी फाइव होता है बी का सिक्सटी सिक्स होता है तो हमें क्या करना है एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कैरेक्टर डालेंगे जैसे हमने ए एंटर किया तो आस की वैल्यू सिक्सटी फाइव आ जाए बी एंटर किया तो सिक्सटी सिक्स आ जाए ठीक है तो ठीक है वो हम कैसे कर पाएंगे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है उसकी हेल्प से हम इजीली कर लेंगे ठीक है हम अभी कोई लॉजिक लगा के नहीं कर रहे हम एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके करेंगे तो हमें कैरेक्टर लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं एंड हमने मैसेज दे दिया एंटर अ कैरेक्टर ठीक है तो यूज़र को ये मैसेज आएगा यूज़र एक कैरेक्टर एंटर करेगा अब हमें एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है जिसका नाम होता है ओ आर डी ठीक है लिखा भी हुआ है लिखा भी हुआ है बिल्ट बिल्टिन ये पहले से बना हुआ फंक्शन है इसके लिए कोई अलग से हमें मॉड्यूल भी डालने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आपका जो कैरेक्टर है ठीक है जैस जस्ट आपका जो कैरेक्टर है वो आपने रिसीव कर लिया था एक वेरिएबल में एंड उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर ठीक है तो ये हमें उसका जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है मतलब जो आसकी वैल्यू होता है वो रिटर्न करेगा एंड उस रिटर्न वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया आसकी वैल्यू या फिर आज की कोड जो भी नाम देना हो ठीक है तो ओ आर डी फंक्शन हमें जो भी कैरेक्टर हमने इसमें पास किया उसको वो कन्वर्ट कर देगा उसके इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में एंड मतलब इंटीजर बोल सकते हैं डेसिमल बोल सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा एंड उसको हमें रिटर्न करेगा एंड वो हम रिसीव कर लेंगे ठीक है अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं डेसिमल होता है ऑक्टल होता है हेक्सा डेसीमल होता है तो ये डेसीमल सिस्टम में कन्वर्ट करके हमें दे देगा एंड उसको हम रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल में एंड उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का यूज़ किया मैं यहाँ पे एफ़ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ एफ स्ट्रिंग मतलब जो हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा द कैरेक्टर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैरेक्टर भी दिखाना है एलोंग विथ इट्स आस की वैल्यू जो कैरेक्टर यूजर ने डाला होगा जैसे ए डाला तो ए को भी दिखा दो एंड उसकी जो आस की वैल्यू है वो भी साथ में दिखा दो तो जो कैरेक्टर हमें रिसीव हुआ था वो कैरेक्टर वेरिएबल में रिसीव हुआ था ठीक है यहाँ पे केयर जो होता है ना सी एच ए आर वो कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है पाइथन में बट दूसरी लैंग्वेज में केयर का एक स्पेशल मीनिंग होता है वो एक कीवर्ड होता है बट पाइथन में केयर नहीं होता है पाइथन में स्ट्रिंग होता है ओके तो मैं सी एच ए आर यहाँ लिख सकता हूँ या कोई दूसरा नाम देना हो तो वो भी दे सकते हो चलो आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ सी लिख देता हूँ मैंने एक कैरेक्टर लिया एंड उसको ओ आर डी से कन्वर्ट किया तो उसकी आज की वैल्यू जो मुझे मिली उसको आज की वैल्यू वेरिएबल में रिसीव कर लिया फिर मैंने उस कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया एंड उसकी जो आज की वैल्यू है वो भी प्रिंट करवा देता हूं ठीक है मैंने लिखा हैज़ आस्की वैल्यू तो जो आस की वैल्यू आई उसको मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया ठीक है तो ये तो हमारा स्ट्रिंग अजय प्रिंट होगा ये डबल कोट्स भी अजेट इस प्रिंट होंगे बट ये जो कल ब्रैकेट्स ब्रेकेट्स के अंदर लिखा है ना ये जो सिंगल कोड लिखे वो तो भी इज प्रिंट होगा बट ये जो कल ब्रैकेट के अंदर लिखा है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी एंड ये कॉलन वगैरह सब एज इट इज प्रिंट होगा उसके बाद जो कली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले ये मैसेज आया एंटर अ कैरेक्टर कैरेक्टर हमारा जाएगा सी के अंदर तो हमने सपोज एंटर कर दिया कैपिटल ए एंड एंटर किया तो हमें कैपिटल ए का आज की वैल्यू प्रिंट होके मिल गया एंड यहाँ पे जो कैपिटल ए हमने डाला था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सिंगल कोट्स में आ रहा है क्योंकि मैंने सिंगल कोट्स खुद से यहाँ पे लगाए हैं ऐसा जरूरी नहीं है मैं हटा भी सकता हूँ ये सिंगल कोट्स ओके okay? तो जैसे मैंने स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल ए का जो आज की वैल्यू होता है वो होता है नाइन्टी सेवन ठीक है आप चेक भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कैपिटल ए का सिक्सटी फाइव होता है कैपिटल बी का सिक्सटी सिक्स होता है स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए होता है नाइन्टी सेवन जैसे मैं कोई लेता हूँ टी ठीक है स्मॉल टी का वन हंड्रेड आना चाहिए तो हम चेक कर लेते हैं इसको रन करते हैं यहाँ पर मैंने लिखा स्मॉल टी वन हंड्रेड सिस्टन ठीक है प्रॉपर आ रहा है हम सिंबल भी डाल सकते हैं जैसे मैंने एट दी रेट डाला कोई नंबर डाला ठीक है एट दी रेट डाल दिया एट दी रेट का सिक्सटी फोर दिखा रहा है अब मैं वेबसाइट में चेक करता हूँ तो एट दी रेट का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है आज की वैल्यू जो होता है वो सिक्सटी फोर होता है ठीक है तो ये सिक्सटी फोर आ गया ओके तो आपने देखा ओ आर डी फंक्शन का यूज़ करके कि हम कितना ईजीली जो है किसी भी कैरेक्टर का आज की रिप्रजेंटेशन देख सकते हैं आज की वैल्यू देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग